पिछले साल 3 दिसंबर को बुलंदशहर के चिंगरावटी चौकी पर जो हिंसा का पूरा प्रकरण हुआ, उसके नामजद अभियुक्तों में से जो अभी तक फरार चल रहा था शिखर अग्रवाल, आज उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। फिलहाल चाना कोतवाली में उससे पूछताछ की जा रही है। आलाधिकारियों का कहना है कि इसमें अब तक जो भी लोग नामजद थे और पकड़ नहीं गए हैं, उनके पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि शिखर अग्रवाल अब तक आखिर कहाँ था, जिसके बाद कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं से ना कहीं से इसे संरक्षण मिल रहा था सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी बुलंदशहर।